Yeah.
मसाज करो, फिर इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता क्या है जब इनकी जगह जगह बदल जाती है। कल हम सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, थ्योरी है ना, आज केवल इतना सा बेसिक एक कर लो। प्रज्ञा कल एक पराठा एक्स्ट्रा खा गया ताकि वो हजम हो जाए, थोड़ा जम हो जाए। He sent Robert, कोई भी नाम लिख लो, write any name you like. He sent Robert the letter. हमें last वाला वो लिखते हैं। हाँ, phone किधर हुआ? पता नहीं कहाँ हमने देखी। Yes, Saurabh, what did he say? Last वाला वो लिखते हैं। ये लिखते हैं a direct object is the noun. A direct object is the noun that receives the action of the verb. Last line, the indirect object. मैंने वो नहीं लिखा object. The indirect object. The direct object itself. मैं कल आपको क्लास में कह रही थी ना, जागृति इसकी क्लास में कह रही थी, शाम वाली क्लास में कह रही थी, शाम वाली क्लास में कह रही थी ना, क्या मैम? क्या तुमको मेरी बात तो मानते नहीं हो फिर? क्या मैम मैं कह रही हूँ जागृति, और तुम सबके सामने कह रही हो उसको झूठ की जागृति, यही बैठी तुमको कंफर्म कर सकते हो। ये लड़की भी थोड़े दिन पहले जयपुर गई थी, इसने वापस आके हमको फर्स्ट ग्रेड क्लास में यही कहा कि पता नहीं था बट ऑटोमेटिकली फ्लुएंटली मेरे अंदर से इंग्लिश निकल रही थी, मुझे नहीं पता कैसे पर निकल रही थी। आपके सामने हमको हेजिटेशन होता है, थोड़ा लगता है कि भाई आप क्या कहोगे या क्या सोचोगे, बट वहां तो मेरे तुमने कहा था या नहीं कहा था, ये बैठी है। तुम अगर कहना मानोगे और वो छोड़ दोगे ना ये चक, तो तुम्हें भाषा आती है खत्म बात। गलत बोलोगे थोड़े दिन बोलोगे अपने आप तुम्हारे अंदर से सही बात आएगी। मेरी बात को समझो तो तुम गाड़ी चलाते हो, तुम लोग गाड़ियाँ चलाते हो ना, सपोज समबडी वन ऑफ यू फोर व्हीलर चला रहे हो, ओके, यू आर ड्राइविंग एंड तुम वहाँ मतलब फोन पे बात कर रहे हो, तुम गियर अपने आप डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो? औरतों को देखा है मीटिंग कर रही होती है, बातें वहाँ कर रही होती है, सलाइयाँ चला रही होती है, ने देखा है टाइपिस्ट को देखा है, उधर देख रहा है, इधर हाथ चला रहा है। Have you seen all these activities? क्या होता है? कौन टाइप कर रहा है? कौन गाड़ी चला रहा है? और कौन सलाई चला रहा है? तुम नहीं, वो मोहन नहीं जो टाइपिस्ट है, वो राम नहीं जो गाड़ी चला रहा है, वो शालिनी नहीं जो कि मीटिंग कर रही है। अंडरस्टूड? कौन कर रहा है? उस व्यक्ति के अंदर वो सिस्टम कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक हो गया। जिस दिन तुम प्रैक्टिस लगातार करते हो वो सिस्टम ले लेता है उस चीज को, फिर तुम फ्री हो गए। तुम भले ही फोन पे बात करते रहो, ये तुम्हारा सिस्टम डाल देगा, सलाइयां तुम्हारा सिस्टम डाल देगा, और टाइपिंग तुम्हारा सिस्टम कर देगा। मारो मारो पढ़ना मत मारो, क्या कह रही है? नहीं कोई नहीं हंस रहा, इसमें नहीं हंस रहे, हम सब एंजॉय कर रहे हैं क्लास, तो हमें कोई नहीं हंस रहा। इसे कि फिर भी सपने इंग्लिश में नहीं आते, कितने इंग्लिश बोलो पढ़ो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, सपने इंग्लिश में इसलिए नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि तुम कितने हाउ मच टाइम आर यू एबल टू डिवोट टू दैट लैंग्वेज, 24 घंटे में से तुम बताओ।
कितना दे पाते हो। तुम एक स्कूल इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हो जहाँ पर इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इज 0% वैल्यू कंसिडरिंग द फैक्ट कि माहौल जो टोटल है वो तो हिंदी है। हिंदी है या नहीं है? तुम लोग स्कूल में सोफिया में जब तुम हिंदी बोलते थे तो एक पढ़ती थी पीछे से, है ना। मैंने मैंने मारा बच्चों को, मत मारा नहीं किया, इससे मुझे पता है। मैंने सोफिया में 4 साल पढ़ा है बिफोर बिकमिंग अ प्रोफेसर, तो एंड मैं पढ़ी भी सोफिया में, सो दैट्स ऑल राइट। सो नाउ द थिंग इज कि तुम लोग जो हो स्कूल में वो सब करते हो, इसलिए तुम मजबूरी में स्कूल में तो बोलते हो, घर जाके तो वापस हिंदी में आते आते हो ना। और जब तुम बीएड कॉलेज ज्वाइन करते हो तब क्या होता है? क्या होता है तुम्हारी वो तो थोड़ी बहुत तुम अंग्रेजी बोलते थे ना, सब आ गई या नहीं? क्योंकि क्योंकि तुमने कभी, तुम्हारी गलती है, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो मेरे साथ के लोग हैं मैं इनको ला सकती हूँ एक्चुअली वहां तक, भाषा बोलने के लेवल तक मैं ला सकती हूँ, ये ख्याल कभी नहीं आया। तो तुमने क्या किया, तुम उनमें जाके घुस गए। That's what everyone does. Oh, come on, Saloni, the whole world is waiting. You know, I have taught my friends जो हिंदी मीडियम से तुमको बहुत अच्छा इंग्लिश सिखा दिया है। तो तुमने सिखा दिया, तो वो माहौल तुमको तुम्हारे कॉलेज में भी अपने फ्रेंड सर्कल में क्रिएट करती, और आज तुम इस क्लास में हो तो क्रिएट करो। Don't point out mistakes. चाहे कोई टू लगाना भूल जाए, फॉर लगाना भूल जाए, गलत सलत भद्दा वाक्य बने, it does not matter. All that is required is open your mouth and speak the language. बस, that's the only thing that is required. Your system will take it over. मैं कह रही हूँ तुम गलत सलत बोलते रहो, तुम्हारे सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि अगला एक्चुअली तुम गूगल सर्च कर रहे हो, तुम गूगल पे एक चीज डालते हो, तुम्हारा गूगल 100 भेजता है तुम्हें, सजेशंस भेजता है या नहीं? तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा गूगल बैठा हुआ है, तुम विश्वास नहीं करते हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पर तुम इंग्लिश सर्च करते हो, जब तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी सर्च कीवर्ड्स तुम्हारे इंग्लिश है, तुम्हारे अंदर का गूगल तुम्हें वो दे देगा। बस इतना सा ट्रस्ट कर लो, बस तुम 3 months कैसे भी बोलो, गलत सलत सलत कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर क्या बोलते, बोलो बस, दैट्स ऑल आई केयर। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? जो भी बात को समझो, मैं बार बार किसी कारण से कह सकती, तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो केवल इमेजेस रिकॉर्ड करता है, वो इमेजेस रिकॉर्ड करके रखता है, तुम्हारी फीलिंग के अकॉर्डिंग वो उस इमेज को फेंक देगा ऊपर, बस खत्म बात। इतना सा माइंड काम करता है, थोड़ा कहना मानो, यू विल सी ऑल द डिफरेंस यू वांट। कहना मानो मतलब इंग्लिश आपको इसलिए नहीं सीखना क्योंकि हमें स्मार्ट दिखना, तुम पहले ही स्मार्ट हो, नो प्रॉब्लम, वो सब जरूरी नहीं है। इंग्लिश ना बोल पाना कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, बट द थिंग इज कि आगे अब क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, तुम्हें प्रोग्रेस करना है, तुम्हें इंटरनेट की जरूरत है। एंड आज तुम लिखवा लो मेरे से, तुम फर्स्ट ग्रेड बनो, सेकंड ग्रेड बनो, कॉलेज के प्रोफेसर बनो, आई डोंट केयर व्हाट यू बिकम। 25 साल बाद, आज से 25 साल बाद जब तक तुम्हारी करियर खत्म नहीं होगी, तुम्हारी करियर तब तक खत्म नहीं होगी, बीच में होगी, तुम लोग का ट्रांसफर फूड विभाग और मत्स्य विभाग में कर दिया जाएगा क्योंकि स्कूल्स विल क्लोज डाउन। स्कूल्स विल क्लोज डाउन। व्हाई विल स्कूल्स क्लोज? क्योंकि एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल नाउ। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है ना वो काम करेगा तुम्हारे लिए। कल ही मैं परसों देर से कोई हम लोग चाय की थड़ी पे बैठते थे, हम लोग ये बात कर रहे थे, पता नहीं कैसे रात को किसी ने मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड किया, मैं तुम लोगों को फॉरवर्ड करूंगी, हिंदी में है कुछ फ्यू लाइंस। मैं परसों बात ही कर रही थी, परसों रात को पता नहीं किसने, सर्च इंजन इतना तगड़ा होता है, तुम्हारे अंदर का गूगल सर्च इंजन इतना तगड़ा होता है,
परसों मैंने चाय की दुकान पे खड़ा हम लोग बात कर रहे थे और परसों रात को किसी ने मुझे कोई मैसेज फॉरवर्ड किया और उस मैसेज में यही था, तुम्हें क्या, तुम कहते हो तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो तुम एक्चुअली नौकरी के लायक नहीं हो, तुम ये कर सकते हो तुम वो कर सकते हो तुम ये कर सकते हो तुम वो कर सकते हो नहीं ना, तो तुम्हें तो हुनर, फिर यू डोंट नो कि तुम्हारा हुनर कहाँ है। और इसलिए तुम बीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, एमए कर लो, बैठे रहो। ये मैसेज मेरे पास आया, मैं फॉरवर्ड करूंगी, आई पुट इट ऑन द ग्रुप। एक्चुअली ग्रुप पे नहीं डालना चाहिए क्योंकि एक तरीके से हम सेकंड रेड और फर्स्ट रेड से बात, तो मैं वो नहीं कर रही, तुम्हारा ध्यान नहीं हटा रही फर्स्ट रेड और सेकंड रेड से। मैं केवल तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, लैंग्वेज का एक लार्जर पर्पस है, तुम्हारा हुनर तुम्हें तराशना पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी, यू विल हैव टू डू इट साइड बाय साइड। तुम सेकंड रेड बनने के बाद भी, फर्स्ट रेड बनने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे अंदर का, कोविड ने क्या किया, क्या किया कोविड ने, क्या किया कोविड ने, दुकानें बंद कर दी, सब धंधे पानी चौपट कर दिए, है ना, क्योंकि उस ईश्वर वाले, उस ईश्वर ने जिसने तुमको यहाँ भेजा है ना, तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा था, हर एक को एक हुनर दे के भेजा है। और वो कोविड एक ही शिक्षा देने आया था कि भैया तू ना ये दुकान वाला जो है ना, तो तेरे को 10,000 रुपए महीने तनख्वाह देता है, इस पे निर्भर मत रह, मैंने तो तेरे को पहले ही बहुत सक्षम बना के भेजा है, तराश ले उसको, निकाल ले, तू वैसे कमा लेगा वो सारा। और मेरे पास तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मेरा ड्राइवर जिसको मैं तनख्वाह देती थी, वो कोविड में उसकी नौकरी गई, क्योंकि मैं एक तो रिटायर हो गई, सेकंडली मैं आउट ऑफ कोटा चली गई, तो उसकी तो जॉब गई, वो ठीक है। आज अगर मैं बुलाऊंगी तो वो प्रेम से आएगा कि मैम जब काम पड़े आप बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको बुलाया, बट ये नहीं कि वो काम छोड़ के मेरे पास आ पाएगा, क्योंकि अब वो जो कमा रहा है ना अपने, वो और भी जो वो कर रहा है, जो भी उसका स्किल था। और मैं जब वो गाड़ी चलाता था तो मैं उसको यही लेक्चर देती थी कि कर इस चीज को, कर इसको, समहाउ ट्रेन योरसेल्फ, कोविड आ गया तो उसके लिए मजबूरी हो गई, कोविड ने कोविड शिक्षा देने आया था और उसका कोई पर्पस नहीं था, याद रखो ये। You have to develop your personal skills and you will have to learn this language. There is no option. तुम सही, तुम बोलो, गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, अपन अपन एक छोटा सा परिवार है, कोई किसी पे नहीं हंस पाएगा। और तुम्हें मेरे सामने तो हिचकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बैठी ही इसलिए हूँ तुमको करेक्ट करने या उस लेवल तक लाने के लिए। मैं सिर्फ ये थोड़ी है कि तुमको यहाँ कुछ करा के और अब तुम घर जाओ। You have to grow, है ना? You have to grow as a person. To grow as a person, you want to become a second grade English teacher, learn the language. ये सब तो सीखो, साथ में वो भाषा करो, तुम्हें एक दिन वो भाषा काम दे देगी, जिसका तुम्हें आज आइडिया नहीं है। Understood? Sentences तो सब बना। First grade वाले अब start कर रहे हैं, कुछ और practices कर रहे हैं, इसलिए मैं तंग नहीं कर रही तुम्हें, पर तुम लोगों को भी ये स्टार्ट कर देना चाहिए मेकिंग सेंटेंसेस। और विद इन 2 वीक्स तुम लोगों को ऑडियो पे आना है, ऑडियो सेंटेंसेस, नॉट वर्ड प्रिंटेड वर्ड टेक्स्ट करा हुआ, ऑडियो पे आओ तो तुम्हें तुम्हारे साउंड्स ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको समझें। पहले रिकॉर्ड कर रहे हो? ऑन है, रिकॉर्ड हो रहा है, बच्चों पास से बंद तो करते, इसको बंद कर दे, रिमोट बदल दे, आपके रिकॉर्ड कर दे, कोई बात नहीं, बट बच्चा जो ये पढ़ने आया है उसको ये नहीं सुनना, इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट कर दो, मैं देख लूंगी, अपलोड करना होगा।